हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। तो आज हम आपके लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको SSC के द्वारा आपका जो फिर जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना हो, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कहाँ पर आपका पुलिस पोस्टिंग हो सकता है, तो इसी के बारे में फुल डिटेल्स हम लोग के वीडियो में बोल देंगे। सबसे प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखिए, ठीक है। और भी दूसरी बात आप लोग मैं शेयर करना चाहता हूँ, हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर जाके आप लोगों को अपना हमारा जो जो कम्युनिटी पेज है, उस कम्युनिटी पर जाके भी आप लोग बुक्स वगैरह जो गवर्नमेंट का वेरियस का जॉब्स का बुक्स वगैरह कॉपी एप्टीट्यूड वगैरह रिसेंट सब कुछ बुक्स आप लोग खरीद सकते हो। तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है, अगर आप लोग को पसंद आए तो ये आप लोग खरीदने में स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते, आपका समय ना लेते हो ज़्यादा। फिर आपका 6 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 4 जनवरी पर लास्ट डेट आप अप्लाई करना। सबके पास काफ़ी टाइम, सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देखिए, उसके बाद ही आप लोग प्लीज़ अप्लाई करना। तो चलते हैं नीचे। सो यहाँ पर की क्या क्या पोस्ट मिल जाएगा। सर ग्रुप सी के द्वारा आपको LDC पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर डेट 10 टॉप ऑपरेटर नेशनल, जिससे अलग अलग मिनिस्ट्री और अलग अलग डिपार्टमेंट ने पहला आपको लाता है जो LDC पोस्ट पड़ता है, ये आपका जूनियर सर्विस असिस्टेंट आता है। सर या फिर उनके लिए पे स्केल 2 सर मिल जाएगा। उसके बाद जो 10 टॉप ऑपरेटर उनको भी लिए पे स्केल 4 पे स्केल 5 भी उनको सैलरी मिल सकता है। लास्ट जो 10 टॉप ऑपरेटर ग्रेड है उनको भी उनको पे स्केल 4 वैकेंसी और उनको सैलरी वगैरह मिल जाएगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी पर निकला हुआ वैकेंसी पर टेंटिवली है, सो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। 4500 आपका अगर वैकेंसी निकला है तो टेंटिवली है, तो बाद में इंक्रीज भी हो सकता है। सो उसके ज़्यादा उससे चिंता मतलब इस मत कीजिए, जो आपका इंक्रीज हो जाएगा बाद में आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। सो एक बार कुछ रिजर्वेशन का द्वारा आप जानते हो, जब SC ST OBC का जो एक सर्विस में कुछ रिजर्वेशन रहता है, उसके बाद जो डिपार्टमेंटल का भी कुछ रिजर्वेशन रहता है। सही में कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, आप देख सकते हैं जो PWD देख सकते हैं, बाकी सब कुछ अगर स्किप भी कर सकते हो। दूसरा है वो एज लिमिट क्या गया होना होगा, सबको 18 साल से लेकर 27 साल से बीच में एज क्राइटेरिया होना होगा। सो कैटेगरी SC ST को 5 साल का अपार एज में छूट मिल जाएगा, OBC को भी 3 साल का, PW छूट मिल जाएगा वगैरह, एक्स सर्विस मैन हो गया जो डिफेंस पर्सन होता है उनको मिल, जो सिविलियन एम्प्लॉय होता है उनको छूट मिल जाएगा, जो डिपार्टमेंटल उनको भी छूट मिल जाएगा, जो वोमेन होते हैं विडो वगैरह सब कुछ भाई उनको छूट मिल जाएगा। तो और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। आपका जो एक्स सर्विस मैन कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सब सो एक बार नीचे आता है, आपको प्रिपरेशन है आपका जो कॉम्पिटिशन स्काइप वगैरह वो भी आप देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। दूसरा आपका जो क्वालिफिकेशन, जो LDC और JSC के और DO और DU ग्रेड है उनके लिए सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ उनको 12+ पास आउट चाहिए। तो किसी के लिए अलग अलग थोड़ी पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे दिया है, देख सकते हैं। तो क्या क्या जो बड़ा हार्म को जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा आपको ग्रेजुएट इन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट थ्रू ओपन एंड लर्निंग मून एडुकेशन भी आपका जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश माइंड एक्ट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव आपका जो होना होगा सबको होना होगा, मतलब आपको जो अप्रूव होना होगा, ठीक है। डिस्टेंस एडमिशन ब्यूरो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको भी हो सकता है, जो ना ओपन किया है उनको भी अपने कल कर सकते हैं, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग किया है सो उन लोगों भी अपने अप्लाई कर सकता है। सो और कुछ भी नीचे वो इंस्ट्रक्शन कैसे आपको अप्लाई करना होगा, पहले तो आपको इस जगह को रजिस्टर करना होगा आपका किस हिसाब मतलब आपका वेस्टर्न रीजन आता है ईस्टर्न रीजन उसके द्वारा आपको पर अप्लाई करना होगा। पहले सिर्फ आपको इस वेबसाइट में जाना होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना होगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप लोग से अप्लाई कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन आप नहीं अप्लाई कर सकते, जो पहले से जिनका रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट उस पर जाए उनको भी अप्लाई कर सकते डायरेक्ट। तो और कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो फी आपको, सो फी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ देना पड़ता है, जो आपका SC ST OBC आपका SC ST और आपका PW एक्सटेंशन उनके लिए फ्री है, बाकी सब के लिए देना पड़ता है, और वोमेन का भी फ्री है, बाकी जनरल वर्ग को भी OBC वर्ग को पूरा पैसा उनको देना पड़ता है। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, UPI नेट बैंकिंग वगैरह कुछ पे पेमेंट कर सकते हैं। फेवर उनके लिए अलग से जिन गलती हो गया फॉर्म में उनके लिए एप्लीकेशन करेक्शन को भी करना हो, उनके लिए उनको पैसा देना हो, मतलब उनको 200 रुपीज़ उनको पेमेंट करना होगा एक्स्ट्रा जो उनका करेक्शन करने के लिए, ठीक है।
और भी नीचे आज किस सेंटरों के एग्जाम वगैरह कैसा पड़ता है, जैसे एसएम से आपका 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 जो है रीजन है आपका जो वेस्टर्न सेंटर के मुताबिक आपका एग्जाम वगैरह पढ़ सकता है, कुछ जो वेट से डायरी इस जगह पर अप्लाई भी कर सकता है, एडमिट करते इफ एसएम का आएगा उसके बाद डाउनलोड करना होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको टाइप तो मिलेगा दोस्तों, आपको एग्जाम क्या क्या होना, सब टू टाइप होगा, पहला टायर वन टायर टू भी हो जाएगा। तो इसके भी लिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन को दे दिया, आपको सिलेबस रहेगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड जेन लर्नर सब रहेगा, टाइम भी होगा मिल जाएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा टायर टू का, ठीक है। टायर टू में देख सकते हैं, आपको टायर टू भी आपका होगा, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ऊपर दे दिया है, वो अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। फिर पीजी तो बहुत बड़ा है, इसलिए जो वो मेन सेक्शन है सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब मैं स्किप कर दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या आपको देना पड़ता है, आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो कास्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट सर्विस में पीडब्ल्यू जिनका भी है पूरा ग्लोबल सर्टिफिकेट, तो वो 10 का, ठीक है, 12 का, सब कुछ अगर आपको देना पड़ता है। तो पासिंग मार्क्स भी, पासिंग दे दिया आपका यूअर के लिए कितना होगा, ओबीसी के लिए सर ऑल अदर कैटेगरी कितना होगा, इसका भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और भी क्या क्या आपको दे दिए आप लोग, ठीक है, अपियरिंग कन्वर्सेशन रूल्स वगैरह स्विच ऑफ, उनके भी उनको आप लोगों को उसको भी पनिशमेंट मिल सकता है, तो इस साल से आप बैन भी हो सकते हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग को दे दिया है, देख सकते हैं। इसके बाद फॉर्म का आपको फॉर्मेट है, जिनके पास नहीं है वो फॉर्म फॉर्मेट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑनलाइन में कैसे आपको अप्लाई करना, तो पहले मैंने आपको बता दिया था, आपको आपको पहले सीधा जाके एसएससी वेबसाइट उससे आपको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आप लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस को दे दिया कैसे आपको देना होगा अप्लाई वगैरह, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, डॉक्यूमेंट कितना के बी, उतना फोटो इतना होगा आपका, सील ऐसे करना होगा, और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, ये फोटो गलत है इसका अच्छे से करना होगा, पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिनका SC ST OBC का डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह भी हो सकता है, मेडिकल मेडिकल का आपको इन अनफिट कर सकते हैं, तो मेडिकल आपका रिव्यू भी हो सकता है, बाद में आपका मेडिकल आपको हो जाएगा। तो इनके भी उनको गवर्नमेंट जो होता है जो डॉक्टर वगैरह उसके आपको मेडिकल वगैरह करवाना होगा, तो पूरा सिलेबस आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पर भी आपको ले कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, जिनका जो फी के सेंटर पर्सन रिजर्वेशन को भी देना होता है, ठीक है। तो और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो ग्राउंड टेम्पोरल रिजेक्शन को ले, ठीक है, ये वो इंस्ट्रक्शन है आप लोग चेक कर सकते हैं। सो आप लोग पीडीएफ और आप लोग ऑफिशियल जो है लिंक मैं आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, पीडीएफ खुल के आप जो रिजिम का आइटे वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ डाउट हुआ एनी अदर कुछ भी एनी तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताना, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे आप लोग भी ज्वाइन कर लेना, उस चैनल का भी आप लोगों में वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो कुछ भी डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हैं, और चैनल में आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मैं शेयर कर दूंगा नोट्स वगैरह, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, आप लोग सब बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है, चलता हूँ, एंड गुड बाय, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।